एवरीवन, श्रीमली आपको किचन में वेलकम कहती है और आज आपके लिए लेके आई है जी कच्चे आम का शरबत। बहुत ही जबरदस्त गर्मियों का तो कच्चे आम का शरबत किस तरह से तैयार किया जाता है अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ले लेंगे कच्चे आम तीन अदद, ये हमने ले लिए हैं और छील लिए हैं, आपके सामने छील के रखे हैं। तीन अदद आम है, ये हो गई शक्कर, हमारे पास ब्राउन शक्कर जो होती है, और इसमें ये है आपके पास जी काला नमक, काला नमक है एक चाय का चम्मच, जीरा आधा चम्मच चाय का, और ये है जी इसबगोल, इसबगोल का छिलका है, ये भी आप यूज करेंगे इस ड्रिंक में। और क्या ही ड्रिंक बनने जा रहा है आपके लिए श्रीमंत किचन में, तो देखते हैं कि ये किस तरह से तैयार होता है। सबसे पहले हम आम ले लेंगे और उनको कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से कट करेंगे। इनका ये सेंटर वाला पार्ट जो है वो हम निकाल देंगे। याद रहे कि इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है, तो ये भी आप रिमूव कर लीजिए। आम के अंदर से हमने इसकी गुठली और झिल्ली को निकाल लिया है, अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। आम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक ब्लेंडर का जग ले लेंगे और कच्चे आम जो है इसमें हम सब डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे इसमें शक्कर और इसके साथ हम डाल देंगे जीरा, काला नमक और इसबगोल, और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 5 ग्लास, क्योंकि ये आम बहुत खट्टे होते हैं और शुगर भी इसमें ज़्यादा जाती है। आप चाहें तो शक्कर ऐड करें या चीनी ऐड करें, जैसे आपकी मर्जी है अपने टेस्ट के हिसाब से। ये ब्लेंड हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तुखमा मलंगा जो हमने तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो दिया था। ये जो है गर्मी में बहुत आपको राहत पहुंचाता है, गर्मी की शिद्दत को कम करता है, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने मशरूबात में तुखमा मलंगा जरूर इस्तेमाल किया कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही मजेदार ठंडा खट्टा और मीठा शरबत रेडी है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पीजिए और अपने गर्मियों के मौसम को एंजॉय कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज।